जैसे क्या 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 परेशानी बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं लोग, क्या बात है? मैं बता रहा जी, कोई बिजली बोर्ड में जा रहा है, कोई हॉस्पिटल की दवाई ले रहे हैं, फलाना लेने ये जा रहे हैं, एक भी नहीं रुक रहा कोई भी। मतलब देखो ये लोग है ना, लोगों के दिमाग में ये बात आई नहीं रही है कि भैया हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने ये सब लॉकडाउन किया हुआ है, जो कोरोना बीमारी बढ़ रही है उसकी वजह से, कि भाई ये खत्म हो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी भीड़ हो रही है, साधन इतने चल रहे हैं वो मैं भी देख रहा हूँ वहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं ये भी बता रहे हैं। और क्या परेशानी हो रही जी यहाँ पे? बस यही परेशानी है, ज़्यादा कंट्रोल कर देंगे तो बस वही एसपी हमारे कुछ बोलेंगे। देखो ये चीज़ मुझे लगता है कि जब तक हम ये उल्लंघन करते रहेंगे ना, हम किसी बीमारी को रोक नहीं सकते, किसी भी तरह की बीमारी को। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड है, ये हमारे जितने भी आप दर्शक हैं इन सब के ऊपर डिपेंड है। आप देख रहे हो मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई वो है ही नहीं कि भाई साहब, जैसे कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं लोग, ओके, जैसे कि लोग आ रहे जा रहे हैं, ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं एक तरह से, तो मतलब आप कंट्रोल भी कर रहे हैं, क्यों क्यों कर रहे हैं ये लोग इस तरह से? सर हम लगभग हर आदमी से पूछ रहे हैं जी जी। तो अमूमन यही होता है कि हम दवाई लेने जा रहे हैं, मरीज़ हमारे साथ है, हम सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, बस यही है जी। और लापरवाह आदमी ज़्यादा घूम रहे हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे जो पुलिस प्रशासन जो इतना सहयोग कर रहे हैं, तो हमें भी तो सहयोग करना चाहिए, हम जनता को सहयोग करना चाहिए इनके साथ में मिल करके ना, क्योंकि अगर बीमारी को हम बढ़ाएंगे तभी तो बीमारी बढ़ेगी ना। और सीधी सी बात यह है कि आप लोग अगर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप लोग अगर इस भीड़ को नहीं कर पाओगे तो नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो ये ऑटोमेटिक बीमारी बढ़ती जाएगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से, और माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप मानिए, नारनौल में जो माहौल बनाया हुआ है, नारनौल शहर में जो नारनौल बना हुआ है माहौल, इसको जितना हो सके उतना ख़त्म करने की कोशिश करना जी। भाई साहब दो आए हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल क्या प्रॉब्लम हो गई आपको? पिताजी की, तो आपके पिताजी कहाँ पे हैं? घर पे, मतलब नहीं जा सकता, उनके शुगर है, 480 शुगर हो रही है। तो आप उनको गाड़ी में लेके आ जाते? गाड़ी किसके लेके आए सर? गाड़ी किसी से ले लो, अगर परमिशन मिलते है इस चीज़ की तो ऐसी बात नहीं है। पहले तो आप थाने में जाओ मेरे हिसाब से, और उसके बाद में थाने में परमिशन लो और फिर आप गाड़ी लेके जाओ। करो क्या, नहीं आप शुगर के मरीज है ज़्यादा सर उनके। एम्बुलेंस की सुविधा है आजकल तो दी हुई है सुविधा, आप थोड़े से सामने आ जाओ। अच्छा दूसरी चीज़ ये था, जैसे कि हमारे सरकार ने वो चीज़ की हुई कि भाई मास्क और जैसे कि ये पूरी चीज़ होनी चाहिए, तो आपका मास्क सर वो इधर से कान से निकल गया, वो रास्ते में पड़ गया, और ले लेंगे सर मेडिकल। आपके पास मास्क? सर ये आपका जैसा ही, जैसे गांव में सप्लाई वाले गांव के बंदे हैं दो तीन, वो खुद बांट रहे हैं लोगों को, उन्होंने दिया था, तो वो जैसे हम दूसरे दिन नहीं पहन सकते ना उसको, और मेडिकल पे हमने। भाई मेरे को एक बात बता दीजिए, आपको क्या लगता है कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको मास्क पहनना है या नहीं पहनना? मास्क नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारा घरेलू रुमाल होता है, पहनना होता है नहीं पहनना? हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फिर आपने क्यों नहीं पहना, कोई यूज नहीं किया किस तरह से? सर अब तो इमरजेंसी में बस वो दवाई लेने के लिए, कि भाई हॉस्पिटल खुला है अब तो आप ले सकते हो। भैया आप लोगों के पास में रुमाल तो होता होगा, ऐसा नहीं है घर पे मास्क नहीं है, आपने बोला कि भाई मास्क नहीं, रुमाल तो नहीं है लेके आई सर, जल्दी के अंदर आ गए। मुझे नहीं लगता कि भाई साहब आप इस तरह से, जैसे कि आप हॉस्पिटल का नाम लेकर के जा रहे हैं, तो क्योंकि आपको परमिशन लेनी चाहिए। इसी बीच एडीसी साहब जायजा लेने के लिए पहुंचे नारनौल में, और उसके साथ साथ में नारनौल महेंद्रगढ़ कनीना अटेली का उन्होंने जायजा लिया, तो उन्होंने बताया कि हम कंट्रोल कर दिया है और चालान काटना शुरू कर दिए हैं लोगों के जो नहीं मान रहे उनके। तो आइए सुनते हैं एडीसी साहब से, उनसे खुद ही, कि किस तरह से उन्होंने कानून लागू किया है। अभी जैसे कि नारनौल में देखने में आ रहा है कुछ लोग जैसे मान नहीं रहे, इनके लिए क्या कदम उठा रहे हैं अभी? देखिए नारनौल में ऐसे कोई नहीं है, ज़्यादातर लोग मान रहे हैं, एक आधा कोई ऐसा है तो उसके हम चालान करा रहे हैं। हमने जो है अभी पिछले जो 7-8 दिन में तकरीबन यहाँ पे नारनौल ज़िले में भी हमने करीब 25-30 लोगों के चालान किए हैं, और भी चालान किए जा रहे हैं जो लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा लोगों को हमने अरेस्ट भी किया है, और यहाँ पे काफ़ी हमने गाड़ियाँ जो है उनकी इंपाउंड की हैं। यदि पूरी रेंज का मैं बताऊँ तो 102 हमने FIR दर्ज की हैं, 150 के करीब हमने लोग अरेस्ट किए हैं, 901 के करीब हमने गाड़ियाँ इंपाउंड की हैं, 72 लाख के करीब हमने चालान किया है, जो
लोगों से उगाहा गया। तो इसलिए लोगों में अब ऐसा माहौल नहीं है, कोई कानून को नहीं तोड़ना चाहता, हर व्यक्ति को समझा के हम लोग वापस भेज रहे हैं, लेकिन जो नहीं मान रहे उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन को हम लोग पूरी तरह से सक्सेसफुल कर रहे हैं और इस पूरे जो है उसमें पुलिस का, प्रशासन का, प्रेस का, मीडिया का, सबका बराबर का सहयोग है और हम सब लोग मिलकर के इस कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह से लड़ेंगे और इसमें विजयी होंगे। जैसे कि कल डीसी साहब ने पूरा जिला सील कर दिया है, उसके बावजूद जैसे कुछ बाहर के लोग हैं जो यूपी बिहार से हैं, मजदूर लोग, उनके लिए क्या कुछ सुविधा की गई? नहीं नहीं, देखिए जिला पूरी तरह से सील है और हम लोग आने नहीं दे रहे, लेकिन जो पहले से यहाँ बैठे हुए हैं, यदि वो कोई प्रवासी मजदूर बाहर के हैं, चाहे यूपी के हों, मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, उनको हम ला करके शेल्टर होम में रख रहे हैं। शेल्टर होम में उनका रहने का, खाने का, उनका पीने का, मेडिकल का पूरी यहाँ पे व्यवस्था है। आप, मैं महेंद्र, अभी मैं अटेली का शेल्टर होम देख के आया हूँ, वहाँ पे पूरा अरेंजमेंट है, मैंने उनसे बात भी की है। अभी मैं यहाँ का शेल्टर होम देख रहा हूँ, नारनौल का, महेंद्रगढ़ का देखूँगा, कनीना का देखूँगा, सभी देखूँगा और कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैं पर्सनली खुद इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। हमारे SP जो है पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे हमारे जवान मेहनत से काम कर रहे हैं और पुलिस पूरी तरह से अपनी जो है जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ। थैंक यू सर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो, हमारी क्लब है।